हेलो एवरीवन आज है फ्राइडे 10 फरवरी 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हुडको के शेयर के बारे में हुडको एक सरकारी कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है कंपनी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है कंपनी तगड़ा डिविडेंट देती है साढ़े के आसपास डिविडेंट येल्ड है कंपनी का

शेयर 35-36 के लेवल से अंठावन रुपए तक गया था और वहां से शेयर में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और अभी शेयर सैतालीस रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है अगर हुडको की बात की जाए तो कंपनी अपने दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स के साथ आ रही है 13 फरवरी को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आपको 13 फरवरी को देखने मिल दे। जाएगा कंपनी के अगर डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है पिछले साल कंपनी ने मार्च के महीने में पचहत्तर पैसे का डिविडेंड दिया था फिर सेप्टेंबर के महीने में भी दो पैसे का डिविडेंड दिया था दो में भी कंपनी ने पचहत्तर पैसे का डिविडेंड और एक पैसे का डिविडेंड दिया था तो कंपनी साल दर साल अच्छा डिविडेंड दे रही है पेनी स्टॉक है पर अच्छा डिविडेंट देती है डिविडेंड ये साढ़े सात परसेंट का है और रिकॉर्ड देख के तो यही लगता है कि इस साल भी मार्च के महीने में डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है अभी डेट्स नहीं आए हैं पर जैसे ही डेट्स आएंगे मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा तो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है पेनी स्टॉक है पर अच्छा डिविडेंड देती है अगर हुडको की बात की जाए तो कंपनी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है और हाउसिंग प्रोजेक्ट हाउसिंग फाइनेंस में कंपनी अर्बन हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग स्टाफ हाउसिंग लैंड एक्विजिशन रिटेल हाउसिंग लोन रूरल हाउसिंग स्लम अपग्रेडेशन रिपेयर्स एंड रिलेबल्स इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज बिल्डिंग टेक्नोलॉजी फाइनेंसिंग पैटर्न जैसे कामों में है तो कंपनी हाउसिंग फाइनेंस के काम में है और हाउसिंग फाइनेंस का काम का, का काफी ज्यादा डिमांड है हमारे देश में और ये डिमांड आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है दूसरी बात यह है कि हुडको एक डोमेस्टिक कंपनी है और सरकार डोमेस्टिक कंपनीज को प्रायोरिटी देती है ऐसे में हुडको जैसी कंपनी को काफी फायदा होने वाला है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की बात करें तो कंपनी इसमें Sewage, solid waste management, smart city, social infrastructure, emerging sector, implementing agencies, water supply, drainage. पावर रोड एंड ट्रांसपोर्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग पैटर्न जैसे कामों को करती है तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का काम करती है और किसी भी शहर में इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है चाहे सीवेज की बात कीजिए या वाटर सप्लाई की बात कीजिए या ड्रेनेज की बात कीजिए या पावर की बात कीजिए तो मॉडर्न सिटीज़ में ये फैसिलिटीज़ चाहिए और इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड को का फाइनेंस प्रोवाइड कराती है हुड को जैसी कंपनी तो कंपनी भारी भरकम कामों में इन्वॉल्व है और इन कामों का डिमांड आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाला है और डोमेस्टिक कंपनी तो है ही तो उसका फायदा इसको जरूर मिलेगा कंपनी कंसल्टेंसी में भी है और इसमें कंपनी कंसल्टेंसी एंड प्लानिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स डिजास्टर मिल्ट्रीगेशन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसे कामों में है तो कंपनी अच्छे काम में इन्वॉल्व है मुझे ये एक मल्टी बैगर स्टॉक नजर आता है मैं आपको अपना टारगेट भी बताऊंगा कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो पी है वो 5.46 का है जबकि सेक्टर पी है 21.89 का तो शेयर सस्ता है अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूं अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 81.81 परसेंट .81 की है म्यूचुअल फंड्स की 1.18 परसेंट की अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 6.13 परसेंट की एफ की 0.12 परसेंट की और रिटेल एंड अदर्स की टेन की होल्डिंग है तो यह है शेयर होल्डिंग पैटर्न हुडको के अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप है नौ करोड़ का रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.41 परसेंट का डिविडेंड यील्ड है 7.47 परसेंट का तो कंपनी तगड़ा डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को बुक वैल्यू तिहत्तर रुपए उनसठ पैसे के आसपास है तो शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है और कंपनी का जो पी है वो इंडस्ट्री पी से कम है तो मुझे तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं और कंपनी जल्द ही अपने डिसंबर क्वार्टर के नंबर के साथ आ रही है जैसा मैंने बताया तेरह फरवरी को और कंपनी के अगर रिजल्ट की बात की जाए तो कंपनी ने सेप्टेम्बर क्वार्टर में जो रिजल्ट किया वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा सेप्टेंबर क्वार्टर में कंपनी ने तीन करोड़ रुपए का प्रॉफिट करके दिखाया है जबकि जून क्वार्टर में कंपनी को 412 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था तो थोड़ी बहुत गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिली थी सितंबर क्वार्टर में पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये एक जंप है क्योंकि सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी को 370 करोड़ का मुनाफा हुआ था तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में तीन करोड़ का प्रॉफिट किया वही अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सत्रह करोड़ का रेवेन्यू करके दिखाया है और यह भी इन लाइन है उससे पहले क्वार्टर में सत्रह करोड़ का और एक साल पहले कंपनी ने सत्रह करोड़ का रेवेन्यू करके दिखाया था तो रेवेन्यू भी मुझे इन लाइन नजर आता है अगर ईयरली बेसिस पे भी रिजल्ट को देखा जाए तो कंपनी अच्छा करते हुए दिख रही है कंपनी का रेवेन्यू छह करोड़ का था दो में तो कंपनी अच्छा करते हुए दिखती है रेवेन्यू के फ्रंट पे अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की

अभी तक डेट्स नहीं आए हैं पर जैसे ही डेट्स आएंगे मैं आपको अपने चैनल पर अपडेट करूंगा साथ ही कंपनी अच्छे काम में इन्वॉल्व है हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंपनी फाइनेंस करती है और इन कामों का डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है साथ ही कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी है तो कंपनी अच्छे काम में इन्वॉल्व है डोमेस्टिक कंपनी है और डोमेस्टिक कंपनी को सरकार प्रायोरिटी देती है और जैसा मैंने बताया कि कंपनी का जो पी है वो सेक्टर पी से कम है तो शेयर सस्ता है कंपनी का का पी 5.46 है, जबकि सेक्टर पी 21.89 का है तो शेयर सस्ता है अगर मैं इंडस्ट्री पी से करता हूं। और 13 फरवरी को कंपनी अपने मिलेगा और ऐसे में शेयर के प्राइस में गिरावट देखने को मिली है पिछले एक महीने में जिस तरह से मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिली हिडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट आने के बाद से मार्केट में गिरावट देखने को मिली उसका असर हुडको जैसी कंपनी के शेयर में भी पड़ा साढ़े सात परसेंट की गिरावट ये शेयर दिखा रहा है और मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका है इस शेयर को एक्मुलेट करने का मेरे हिसाब से एक साल का जो हाईएस्ट प्राइस है करीब करीब फिफ्टी एट रुपीज का फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन रुपीज का वहां तक ये शेयर आराम से जा सकता है ये मेरा पहला टारगेट है इस शेयर का और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए भी ये एक अच्छा बेट साबित हो सकता है शेयर में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है रिजल्ट पे रहेगी नजर साथ ही कंपनी अच्छा कामकाज भी करती है

इसको एक्मुलेट किया जा सकता है किसी भी गिरावट में रिजल्ट पे होगी नजर पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा ही रिजल्ट किया था तो इस क्वार्टर के रिजल्ट पे होगी नजर साथ ही कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे रही है शेयर होल्डर्स को दोस्तों ये था मेरा हुटको के बारे में असेसमेंट अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही एक एडवाइस कि शेयर खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कर लें थैंक्स फॉर वाचिंग